तो मैनपुरी में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित रख दिया गया है। अब मैनपुरी के नवीन मंडी में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। 8 दिसंबर की वोटों की गिनती, उससे पहले सपा गड़बड़ी की आशंका जता रही है। 24 घंटे निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी करते नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आज देखिए 6 तारीख है, 7-8 तारीख तक डटे रहने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसा इनपुट है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना की जा सके, क्योंकि इन्हें आशंका है। इसी मद्देनजर आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मजमा लगा हुआ है, मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां से हटने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जरा सी नजर हटी तो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसी आशंका है, ऐसा डर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर, और इसी के तहत उन्हें आदेश है या फिर उनकी मंशा है कि वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी पूरी गर्मजोशी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करते समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को नतीजे आने से पहले तक स्ट्रॉन्ग रूम की ऐसे ही रखवाली की जाएगी। जहां हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लगातार छोटी बड़ी अपडेट की वीडियो शेयर करते हमने देखा, तो वहां ऑनलाइन से लगाए ऑफलाइन निगरानी की खबर मिल रही है। हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, आप तो थे मैनपुरी में, ये किस तरीके का माहौल है कि इतनी सर्द रातों में भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया के अस्तित्व का सवाल है, उनकी साख का सवाल है, और नव समाजवाद के गढ़ मैनपुरी जिसे कहा जाता है उसका अस्तित्व का सवाल है। और कल अखिलेश यादव ने आह्वान किया अपने सभी समाजवादी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं और नेताओं को, कि भैया चुनाव हो चुका है, अब ईवीएम की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आह्वान कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया, तो कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई वहां पर, उनका कहना था कि अब तो रात काली है, अब वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, जब तक रिजल्ट न निकल जाए तब तक घर नहीं वापस आएंगे, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। स्नेहलता, और बहुत सच में कह रहा हूं, निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी का जो रिजल्ट है भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। उसके लिए अस्तित्व का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि फिर 24 में उठ नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी अगर ये गढ़ वाकई टूट गया। हतोत्साहित कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो बैठ जाएगा, कार्यकर्ता घर चला जाएगा, नेता घर बैठ जाएगा, अगर ये चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इसे उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए मैनपुरी का रिजल्ट जो 8 को निकलेगा उस दिन बहुत निर्णायक चुनाव है, पूरे देश की नजर है, पूरे देश के विपक्ष को ध्रुवीकरण करने वाले सारे नेताओं की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, राहुल, धर्म संकट जैसी स्थिति भी पैदा कर दी गई है, सबकी नजर है मैनपुरी पे। देखिए वीरेश, एक तरफ तो धर्म संकट जैसी स्थिति अखिलेश यादव के लिए क्या ये है कि नहीं, आप क्लियर कीजिएगा, आप और विवेक दोनों में से जिसके पास भी इनपुट हो, क्या ये जो पहरेदारी चल रही है, जो तमाम कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम का, उन पहरेदारों के पहरेदार बन करके अखिलेश यादव उनके साथ रहेंगे, या फिर विपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो लखनऊ आएंगे, उनके कहां मौजूदगी रहेगी आज की डेट में, इसे लेकर के कोई इनपुट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल उन्हें नहीं आना था और अपनी पत्नी के चुनाव में, अपने प्रत्याशी के चुनाव में मैनपुरी रहना था, तो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा था और पत्र लिखकर भेजा था कि मैं अनुपस्थित रहूंगा। आज विधानसभा अध्यक्ष के पास उनका कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए मसलन उन्हें आना है। आज मुख्यमंत्री को 11 बजे अनुपूरक बजट पर बोलना है, उसके बाद से लगभग हमें लग रहा है इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, या इतिहास में कभी हुआ होगा लेकिन मुझे याद नहीं है, कि किसी भी सदन में प्रश्नकाल को आज 3 बजे रखा गया है, 3 से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का प्रश्नकाल होगा। 11 बजे का जो प्रश्नकाल है उसे हटाकर 3 बजे कर दिया गया है, ये मैंने इतिहास में देखा नहीं है, आज पहली बार हो रहा है। और उसके बाद
वजह अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जानते होंगे, ये इतिहास में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत प्रश्नकाल से ही होता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, प्रश्नकाल को अगर देखा जाए आगे बढ़ाया गया है, समाजवादी पार्टी के बाहर कार्यालय के बाहर ही हमारे सहयोगी विवेक भी खड़े हैं। विवेक, किस तरीके का इनपुट मिल पा रहा है अगर समाजवादी खेमे की बात करें? स्नेहलता, समाजवादी पार्टी के लोग और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो मुख्य सचेतक हैं, वो सारे लोगों ने कल एक मुलाकात की थी, बैठक की थी और जवाब देने के लिए जो आज सदन में होना है उसके लिए तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं कि संशय की स्थिति है कि किसी भी नेता को ये मालूम नहीं है। मनोज पांडे जो विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस समय सैफई में हैं, लेकिन अगर आना होगा तो 2 घंटे का सफर है, वो आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको जानकारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल से भी मैंने पूछा, बात की, उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ देर में आएंगे और यहाँ एक छोटी सी मुलाकात होगी, तमाम जो विधायक होंगे उनसे मुलाकात के बाद सदन में जाएंगे और सदन में हंगामा करेंगे, चाहे अनुपूरक बजट पर चर्चा हो या हो ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं, अपने मुद्दे जो वो पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इरफान सोलंकी का मामला है, इसके अलावा और जो मुद्दे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने के, रामपुर में, खतौली में और मैनपुरी में, वो मुद्दे उठाएंगे, इस बात को लेकर वो हंगामा करेंगे। इतना तय है कि आज होगा सदन में जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज हंगामा करेगी। दोनों दोनों स्थिति हमारे सामने है, मैनपुरी में एक तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी और उस पहरेदारी की जिम्मेदारी अखिलेश की होगी या फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए घेरेबंदी कौन सी भूमिका में, कहाँ अपना वक्त ज्यादा देते हैं अखिलेश, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल वीरेश, विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।